ये मैं स्टार्टिंग से ही अब तक बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं उस चीज़ को आपसे लास्ट में पूछूंगी, आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक आप लोग ये मेकअप लुक देख लीजिए, मैंने गरबा नवरात्रि के लिए ये मेकअप लुक क्रिएट करा है। अगर आपको वैसे भी कोई फेस्टिवल वगैरह या कहीं जाना है पार्टी वगैरह में, वेडिंग वगैरह में, तो भी आप इस लुक को थोड़ा सा अप डाउन करके ज्वेलरी, हेयर स्टाइल और कपड़े से इस मेकअप लुक को रिक्रिएट कर सकते हैं। ये मेकअप लुक बहुत इजी है। अगर आप मेकअप लवर हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी। तो मैंने सबसे पहले मेकअप की शुरुआत करी है टोनर से। मैंने लगाया है प्लम गुडनेस का रोज वाटर टोनर, देन उसके बाद मैंने इकोलॉजी का मॉइस्चराइजर, एंड उसके बाद ब्लू हेवन का लिप बाम, क्योंकि स्किन प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर, जो प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाले होते हैं उसके एक्सपायरी डेट से पहले मैं उसको कोशिश करती हूँ कि फिनिश कर दूँ। हालांकि इतने सारे मेकअप हो गए हैं कि अब फिनिश करना बहुत इम्पॉसिबल है, बट कुछ मैं जितना कोशिश होता है उसका पैसा वसूल लेती हूँ। यहाँ मैंने लगाया है प्राइमर। प्राइमर की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे बिना प्राइमर के मेकअप अच्छा ही नहीं लगता और मेरा मेकअप भी अच्छा नहीं होता बिना प्राइमर के। आप भी इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और बाकी लोग कहते हैं कि प्राइमर नहीं लगाना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत लगाना चाहिए, मैं तो पूरे फेस पे भर के प्राइमर लगाती हूँ। प्राइमर लगाने के बाद मेरा जो मेकअप है वो बहुत अच्छा बनता है। अगर जिस दिन मैं प्राइमर को स्किप कर देती हूँ मेरा मेकअप एकदम बेकार हो जाता है। और मुझे लगता है कि मेकअप का कोई नियम नहीं है, जिस तरह से आप अच्छा मेकअप क्रिएट कर लो वहीं, क्योंकि मेकअप क्रिएटिविटी है आपका। जितना आप मेकअप पे जितना आप काम करेंगे आपका मेकअप उतना ही अच्छा होगा। प्राइमर लगाने के बाद मैंने लगाया गुड वाइब्स का हाइड्राग्लो बेबी क्रीम, एंड उसके पहले थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे डाल लिया, क्योंकि जिससे मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे और मेरा मेकअप अच्छा भी होता है, फ्लॉलेस भी होता है। और यहाँ मैंने लगाया बीबी क्रीम, इसको मैंने 2-3 लेयर लगा लिया क्योंकि मुझे थोड़ी सी कवरेज अच्छी भी चाहिए थी और इसको भी थोड़ा सा मुझे यूज करना था। काफ़ी लंबे टाइम से मैंने लेके रखा है, इसी बहाने मैं इसको थोड़ा सा यूज भी कर ले रही हूँ। और इससे क्या है कि मुझे ज़्यादा पसीना आएगा तो ये निकलेगा भी नहीं। और यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ, अपने बीबी क्रीम को ब्यूटी ब्लेंडर से यूज कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से थोड़ा सा मुझे मेसी लगता है, पूरे हाथ में मेरे फैल जाता है। और प्रॉस का ब्यूटी ब्लेंडर यूज किया है, ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि मुझे 500 रुपये एक्सपेंसिव लगे, बट किसी के लिए ये बहुत अफोर्डेबल भी होगा। बट मुझे लेकिन पैसा पूरा पैसा वसूल ब्यूटी ब्लेंडर है, इतना सॉफ्ट है एकदम वेलवेट की तरह। देन उसके बाद लगाया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर जो कि ख़त्म होने वाला है, इसमें मेरा सेट है 02 और ये मेरा फेवरेट वाला कंसीलर, पहला कंसीलर भी है। इतनी अच्छी कवरेज, इतनी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है अपने आईलिड पे, थोड़ा सा फोरहेड, चिन पे, जहाँ जहाँ मुझे कंसीलर की ज़रूरत पड़ी मैंने कंसीलर अप्लाई कर दिया। यहाँ पर मैं अपने बैंगल को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एक साथ इतना सब कुछ बोलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत कम ही बोल के या वॉइस ओवर करके वीडियो बनाती हूँ। बट इससे क्या है, जब तक मैं वॉइस ओवर नहीं करती हूँ मैं अपने ऑडियंस से कनेक्ट भी नहीं हो पाती हूँ। और जिस एरिया में मैं रहती हूँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो मैं सामने बैठ के वीडियो बनाना मेरे लिए, माइक लेकर सामने बैठ के वीडियो बनाना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ वॉइस ओवर की। हालाँकि मैं लॉन्ग वीडियो या वॉइस ओवर करके बहुत कम ही वीडियो डालती हूँ। और यहाँ मैंने अप्लाई करा है के बाई कैटरीना का कंटूर स्टिक, जो कि मेरे बर्थडे गिफ्ट में मुझे मिला था। इतना अच्छा है, पाउडर टू क्रीम टू पाउडर इसकी फिनिशिंग है। और यहाँ पे कप्स एंड लेसेस का कंटूर ब्रश लेके मैं इसको ब्लेंड करी, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। पहले मैं कंटूर को स्किप कर देती थी, बट अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कंटूरिंग करने में, क्योंकि इसने ही मुझे कंटूरिंग करना सिखा दिया है, अच्छा लगता है करने में। देन और इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाल दिया है, जिनको शॉर्ट वीडियो मेकअप देखना है वो भी देख सकते हैं, और जिनको भाई मेकअप सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, उनके लिए तो ये फुल वाली वीडियो ही हेल्पफुल होगी। देन उसके बाद मैंने लगाया है इनसाइड का क्रीम ब्लस, और ये थोड़ा सा कलर वियर्ड मुझे लगा, बट मेरी स्किन पर बहुत अच्छे से मैच हो जाता है। इसको मैंने अपने
बैकअप हैंड पे लेके थोड़ा सा वार्म करके ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई किया। इससे क्या कि बहुत नेचुरल फिनिश लगती है और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। डायरेक्ट चीक पे अप्लाई करने से कम ज़्यादा होने की दिक्कत रहती है। यहाँ तक मेरा मेकअप कंप्लीट हुआ। दिन उसके बाद थोड़ा सा मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने आईज़ को सेट कर लिया, क्योंकि मुझे आई मेकअप भी करना है, हल्का सा आई मेकअप करना है, बट कंसीलर वगैरह को सेट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ आईब्रो। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी ऑडियंस मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रही। वीडियो की व्यूज़ पता नहीं क्यों एकदम कम हो गई है, पहले कितनी अच्छी व्यूज़ आते थे। एंड पता नहीं क्या यूट्यूब की मेरे से दुश्मनी हो गई है कि वो मेरी वीडियो को आप लोग तक पहुंचा ही नहीं रहा। अगर आप लोग के पास मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और ये लुक आपको कैसा लग रहा है आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा मैं बक नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे उतना बोलने की आदत नहीं है। मैं ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाती हूँ, ना ही बोली हूँ, बोलती हूँ बट धीरे बोलते बोलते सब मुझे आ जाएगा। और यहाँ मैं टाइमिंग भी देख रही हूँ, क्योंकि एक अच्छे से मेकअप को करने में मुझे एक घंटा लग जाता है, क्योंकि ज्वेलरी पहनो, हेयर स्टाइल बनाओ, आउटफिट पहनो, देन उसके बाद अपना सारा पिटारा लेकर बैठो, फिर मेकअप करो। और मेकअप में अगर जल्दीबाजी होती है तो सारा मेकअप ख़राब हो जाता है। भूत और चुड़ैल बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, इसलिए जब भी मेकअप करें तो बहुत अपने माइंड को शांत करके समय को साथ में लेकर ही करें, क्योंकि जल्दी में पूरा मेकअप बेकार हो जाता है। मेरे केस में ऐसा होता है, मुझे मेकअप करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना इधर उधर टाइम बचा लेती हूँ मेकअप करने के लिए, क्योंकि इतने सारे स्टेप होते हैं और आपको थोड़ा सा गैप करके भी मेकअप करना पड़ता है। स्किन केयर के बाद थोड़ा सा मेकअप के लिए गैप भी देना पड़ता है। और यहाँ पे मैं बहुत बेसिक सा आई मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि मेरे आउटफिट भी थोड़ा सा डार्क मुझे लग रहा था। ज्वेलरी वगैरह मैंने मीशो से लिया है और ये दुपट्टा भी मीशो का ही है। हेयर स्टाइल के लिए मैंने कुछ किया नहीं, बस बेसिक सा एक बन बना लिया है। बैंगल्स में जो ब्लैक वाली बैंगल्स है वो मैंने ऑफलाइन ली है और साइड वाली मैंने मीशो से ही लिया है। देन उसके बाद अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ। मेकअप को सेट करने के बाद मैं थोड़ा सा ये लंबी वाली बिंदी लगा रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि वाइब्स भी तो आनी चाहिए। अब बात आ गई कि मैं आपसे क्या पूछने वाली थी, तो मैं जल्द ही आपसे पूछूंगी। तब तक अभी देखिए, मैं इस बिंदी को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट कोशिश करा है कि इसको अच्छे से लगा पाऊँ, क्योंकि छोटी वाली बिंदी मैं लगा रही हूँ। आईलाइनर हो सकता है मेरे फेस पे फैल जाए, क्योंकि मैं थोड़ी सी हड़बड़ी में भी रहती हूँ। सारा ऐसा स्टार्टिंग काम अच्छा होता है, लेकिन लास्ट आते आते सब कुछ गड़बड़ होने लगता है, इसीलिए मैं तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कर रही हूँ। आसिता आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही है। यानी मैंने अपने दोनों कॉर्नर में भी लगा लिया, साथ दोनों आईज के कॉर्नर में और यहाँ पे चिन पे लगाते हैं ना, मुझे उतना आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं है गरबा रियल लाइफ में। और यहाँ पे मैं ये नोज पेंट पहन रही हूँ, मुझे इस नोज पेंट को लेकर बहुत डाउट था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये नोज पेंट मेरे पे कैसी लग रही है। मैं अभी तक इसके लिए परेशान हूँ, मेरे पे अच्छी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पे अच्छी नहीं लग रही, मेरे पे सूट ही नहीं कर रही है। बट आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये वाला जो नोज पिन है ये मेरे पे कैसा लग रहा है। ठीक है, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। यहाँ थोड़ा सा मैं हल्का हल्का पोज भी दे रही हूँ, आता तो है नहीं बट कोशिश तो कर ही सकते हैं पोज देने का। बस मैंने थोड़ा सा पोज दिया और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।